हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाला है वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट किस तरह से बनती है। ठीक है, फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये हमारी गूगल की वेबसाइट है, google.co.in, राइट। तो कोई भी वेबसाइट आप बनाओ तो वो किस तरह से बनाई जाती है, इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो कोई भी वेबसाइट अगर आपको बनानी हो तो उसके लिए एक सबसे फंडामेंटल टेक्नोलॉजी जिसको बोला जाता है HTML, वो आपको चाहिए होती है, राइट। अब देखिए HTML यानी कि क्या, HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब HTML की मदद से आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हो, किसी भी तरह की डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये लोगो है, ये सर्च बार है, ठीक है, फिर नीचे ये सब फॉन्ट्स है, टेक्स्ट है। तो ये सब किसके अंदर बनाया जाता है, ये वेब पेज की डिज़ाइन किस में बनाई जाती है, HTML लैंग्वेज के अंदर बनाई जाती है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HTML को आप कौन से रिसोर्स के थ्रू सीख सकोगे। तो सबसे पहले आपको गूगल के अंदर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है W3 Schools। ठीक है, क्या सर्च करना है, W3 Schools। इसको सर्च करने से आपको फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिलेगी W3 Schools यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर आपको विजिट करना है W3 Schools के अंदर और यहाँ पर आपको कई सारी टेक्नोलॉजी सीखने के लिए मिल जाएगी, सभी टॉपिक्स के अलग अलग पेजेज है, राइट। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट देखने को मिल रहा है HTML, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है द लैंग्वेज फॉर बिल्डिंग वेब पेजेस। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, वेबसाइट यानी कि क्या, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, अलग अलग वेब पेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी एक वेबसाइट की बात करें तो उसके अंदर कई सारे अलग अलग वेब पेज होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ये W3 Schools है तो इसके अंदर यहाँ पर हमें एक वेब पेज ये फर्स्ट हमारे दिख रहा है, राइट। अब यहाँ पर सपोज यहाँ पर मैं लर्न HTML बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप दूसरे पेज के अंदर आ जाओगे, तो ये हमारा सेकंड वेब पेज हो गया, राइट। तो इस तरह से आपको वेब पेज बनाने होते हैं, वेब पेज को कलेक्ट किया जाता है, कई सारे वेब पेज आप बना सकते हो, उस कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को बोला जाता है वेबसाइट। ठीक है, तो वो वेब पेज आप किस तरह से डिजाइन कर सकोगे, किस तरह से बना सकोगे, उसके पीछे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसके पीछे है HTML। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML की मदद से आप किसी भी तरह का वेब पेज बना सकते हो। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है सिंपल। ठीक है, आप कौन सा कोड करोगे तो आपका क्या आउटपुट आएगा, वो आपको एक कंप्लीट यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। इन सब को हम डिटेल में वन बाय वन देखेंगे फ्यूचर सेशंस के अंदर। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आपको एक कोड दिया गया है एग्जाम्पल के अंदर और यहाँ पर आपको नीचे बटन दिया गया है ट्राई इट योरसेल्फ। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपको देखिए यहाँ पर ऊपर कोडिंग सेक्शन के अंदर कोड लिखा हुआ मिलेगा और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ। तो ये आपका आउटपुट है, मतलब कि आपने ये ऊपर वाला कोड किया और उसको रन करने से आपको क्या मिला, ये नीचे वाला आउटपुट मिला, राइट। दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ। अब आप कहोगे कि सर ये हमें आउटपुट तो मिला यहाँ पर, लेकिन इन रियल लाइफ अगर आप HTML का कोडिंग कुछ इस तरह से करोगे, राइट, कोई एक फाइल बनाओगे, वेब पेज बनाओगे, तो वो आप कहाँ पर रन करोगे। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी HTML की फाइल अगर आप बनाते हो तो वो कंपलसरी आपको रन करनी होती है किसी वेब ब्राउजर के अंदर। वेब ब्राउजर यानी कि जो आप ऑर्डिनरी यूज करते हो, आपका गूगल क्रोम है, राइट, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट का एज, ओपेरा, उन सबको क्या बोला जाता है, वेब ब्राउजर, जहां पर आप इंटरनेट की बेसिक सर्फिंग करते हो। ठीक है, तो HTML का ये जो कोड लिखना है वो आपको एक नई फाइल सबसे पहले बनानी है। ठीक है, किस तरह से बनानी है, कहाँ से कोडिंग स्टार्ट करना है, वो सब हम सीखने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल आप ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले कोडिंग की फाइल बनानी है जिसमें इस तरह का कुछ HTML का कोडिंग लिखना है, राइट। फाइल बन जाती है, फिर आपको उसे रन करना होता है। कहाँ पर रन करोगे, कोई वेब ब्राउजर के अंदर, फिर आप चाहो तो गूगल क्रोम के अंदर कर सकते हो, मोजिला फायरफॉक्स या फिर ओपेरा, आपकी चॉइस है। ठीक है, जैसे ही ये फाइल आप रन करोगे तो आपको ये आउटपुट कुछ इस तरह का मिलेगा, जैसा आप यहाँ पर नीचे बॉटम पर देख सकते हो, दिस इज हेडिंग एंड दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, तो इस तरह का आउटपुट आपको देखने को मिलता है जब भी आप कोई HTML फाइल बनाते हो और रन करते हो तब। क्लियर, अब देखिए समझते हैं इस कोड का मतलब क्या है। ठीक है, इस कोड को क्यों इसी तरह से लिखा जाता है, तो देखिए HTML जो है वो एक स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। ओके, इसको लिखने के लिए आपको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना होगा, जहाँ पर आपको इस तरह से दिखा हुआ है एग्जाम्पल के अंदर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है लेस देन एक्सप्लेनेशन मार्क डॉक टाइप HTML, फिर ग्रेटर देन है, तो वो लेस देन और ग्रेटर देन है, वो एक तरफ एक टैग बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, टैग। HTML के अंदर ऐसे कई सारे टैग आएंगे,
देखिए दूसरी लाइन के अंदर आपको देखने को मिलेगा एच टी एम एल लिखा हुआ, राइट। तो वो एक टैग है, टी ए जी, इसको बोला जाता है टैग, राइट। उसके बाद थर्ड लाइन में आपको देखने को मिलेगा हेड, तो वो सब हम डिटेल के अंदर देखेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए, कोई भी वर्ड अगर लेस देन और ग्रेटर देन वाले ब्रैकेट्स के अंदर रैप किया गया है, लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर लिखा गया है, तो उस पूरे कंबाइंड वर्ड को आप क्या बोलोगे, एक टैग बोलोगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल फोर्थ लाइन की अगर हम बात करें, जहां पर लिखा हुआ है टैग के अंदर टाइटल, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर आपको क्या लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है, तो आप उसको क्या रीड करोगे, टाइटल टैग रीड करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको लिखा हुआ है पेज टाइटल, एंड देन एट द लास्ट लेस देन ग्रेटर देन के बीच में स्लैश टाइटल ऐसा लिखा हुआ है, तो स्लैश टाइटल यानी कि आपका ये टाइटल टैग ओवर हो रहा है, पूरा हो रहा है। आपने स्टार्ट कहां पर किया था, एकदम आगे टाइटल लिखकर स्टार्ट किया था, और एंड कहां पर किया, स्लैश टाइटल, ठीक है। तो जिस किसी भी टैग के अंदर आपको आगे ऐसा स्लैश देखने को मिले, ठीक है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो टैग ओवर हो रहा है। देखिए अब फिफ्थ लाइन के अंदर की हम बात करें, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा स्लैश हेड, यानी कि हेड टैग आपका ओवर हो गया। आपका स्टार्ट कहां पर हुआ था, जब आपने पहली बार उसे यहां पर मेंशन किया था थर्ड लाइन के अंदर, वहां पर हेड टैग स्टार्ट हो गया, और यहां पर लास्ट में स्लैश हेड खत्म हो गया, ठीक है। तो उसके बीच में हमने लिखा टाइटल टैग। अब मेन बात आती है हमारे बॉडी टैग की, ये देखिए ये हमारा है बॉडी टैग, ठीक है। बॉडी टैग यहां पर ओवर हो रहा है, और यहां पर लास्ट में आप देख सकते हो खत्म हो रहा है, राइट। उसके बीच में आपको दो लाइन मिलेगी, एच वन टैग वाली और पी टैग वाली। तो ये जो दो लाइन है आपकी, वो कहां पर आएगी, आपके आउटपुट के अंदर, आपकी ब्राउजर के अंदर स्क्रीन पर आ जाएगी। देखिए फिर से मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं ट्राई इट योरसेल्फ, और ये देखिए आपको यहां पर नीचे आउटपुट के अंदर मिल रहा है दिस इज हेडिंग एंड दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। तो मतलब कि बॉडी टैग के अंदर लिखी गई हुई कितनी भी लाइन हो, फिलहाल तो हमें यहां पर कितनी लाइन देखने को मिल रही है, एच वन और पी टैग वाली, ठीक है, दो ही लाइन देखने को मिल रही है। तो वो दो लाइन का आउटपुट आपको वेब ब्राउजर में कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है बॉडी टैग जो है वो हमारा, वही हमारा सबसे ज्यादा प्ले कर रहा है, रोल निभा रहा है पूरे HTML के टैग के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है आपका बॉडी टैग, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर लिखे हुए सभी स्टेटमेंट, सभी लाइंस, वो आपको एज अ आउटपुट स्क्रीन के अंदर देखने को मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद लास्ट में जब भी आपको बॉडी टैग खत्म करना हो, तो आपको क्या लिखना है, स्लैश बॉडी लिखना है, ठीक है। तो आपकी बॉडी वहां पर खत्म होगी। उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है स्लैश HTML, यानी कि पूरा अब आपका HTML का स्ट्रक्चर खत्म हो गया है, राइट। तो इस तरह से हमें बनाना है हमारा HTML का फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। एट द टॉप सबसे पहले आपको एक लाइन देखने को मिलेगी, ये भी लाइन आप लिख सकते हो, ये सिंपल रिप्रेजेंट करती है कि हमारा जो HTML लिखा गया है पूरा कोड नीचे, ठीक है, वो पूरा का पूरा HTML वर्जन 5 के अंदर लिखा गया है। अब ये वर्जन के ऊपर चलता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर WhatsApp का यूज कर रहे हो, ठीक है, कोई एक एप्लीकेशन का, तो उसका कोई ना कोई वर्जन तो होगा, राइट। फिलहाल अगर आप WhatsApp का वर्जन 32 यूज कर रहे हो, तो 2 महीने बाद WhatsApp थोड़ा अपडेट हो जाता है, 34 वाला वर्जन आ जाता है, राइट। तो इसी तरह से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसका वर्जन होता है, वो अपडेट होते रहता है। फिलहाल HTML जो चल रहा है वो वर्जन 5 पर चल रहा है, ठीक है। तो ये जो आप कोड करोगे ना, यहाँ से HTML से स्टार्ट करोगे और लेस देन स्लैश HTML तक जाओगे, तो ये पूरा का पूरा कोड आप लिख रहे हो HTML 5 के अंदर। वो इंडिकेट करने के लिए आपको ये फर्स्ट लाइन लिखनी है। फिर से ये फर्स्ट लाइन हमें क्यों लिखनी है, हमें सिस्टम को बताना है कि आप पूरा कोड लिखोगे वो HTML वर्जन 5 के अंदर होगा। तो HTML वर्जन 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल आपको ऊपर ये फर्स्ट लाइन लिख देनी है, ठीक है, डॉक टाइप वाली, एक्सप्लेनेशन मार्क डॉक टाइप HTML, यानी कि ये आपका पूरा HTML का स्ट्रक्चर वर्जन नंबर 5 के अंदर बना हुआ है, राइट। बस इतना सा आपको फाइल बनाना है और फिर उसको रन करना है। किस तरह से रन करना है वो हम फ्यूचर के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल आपको सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना है। अगेन स्टार्ट कहाँ से होगा, HTML से स्टार्ट होगा, खत्म कहाँ से होगा, स्लैश HTML, ठीक है। इन दोनों टैग के बीच में आपको पूरा आपका HTML का स्ट्रक्चर बनाना है। फिलहाल हम हेड का मीनिंग नहीं समझेंगे, फिलहाल हम सिंपल करेंगे बॉडी का मीनिंग, ठीक है। बॉडी टैग यहाँ पर स्टार्ट करो इस तरह से, और यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर इस तरह से खत्म करो स्लैश बॉडी लिखकर। इन दोनों के बीच में जितने भी आप टैग लिखोगे, ये एच वन क्या है, पी क्या है, वो भी हम सिर्फ डिटेल के अंदर देखने वाला है। फिलहाल यहाँ पर बॉडी के अंदर हमें दो लाइंस देखने को मिल रही है,
तो बॉडी के अंदर आपने जितनी भी लाइंस लिखी होगी वो आपको एज आउटपुट में यहाँ पर नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है हमारा HTML का कोड। अब आप इस वेबसाइट को अपनी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर आपको कई तरह के एक्सरसाइज भी दी जाएगी, ठीक है, क्विज दिए जाएंगे, रेफरेंस दिए जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर वन बाय वन सभी ट्यूटोरियल फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे ऊपर स्क्रॉल अप करने हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह का मेनू बटन दिखेगा, राइट। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो इस तरह से आपको वन बाय वन सभी टॉपिक्स देखने को मिलेंगे HTML के। सबसे पहले हमें विजिट करना है HTML इंट्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी डेफिनेशन मिल जाएगी, वर्किंग मिल जाएगा बेसिक। HTML यानी कि क्या, तो हम यहाँ पर फर्स्ट लाइन के अंदर दिखाई देगा, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये HTML का एक सिंपल फुल फॉर्म है। HTML किस लिए यूज होता है, तो यहाँ पर क्लियर कट आपको देखने को मिलेगा, क्रिएटिंग वेब पेजेस, वेब पेज बनाने के लिए HTML को यूज किया जाता है, राइट। सिंपल HTML का डॉक्यूमेंट वही है जो भी हमने फिलहाल देखा था, ठीक है। माई फर्स्ट हेडिंग, माई फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पर बॉडी के अंदर दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आप ट्राई इट योरसेल्फ पर क्लिक कीजिए तो आपको ये नीचे आउटपुट देखने को मिल जाएगा, राइट। चलिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन किया है कि अगर आप ये लाइन लिखते हो डॉक टाइप HTML, इसका मीनिंग क्या होता है। तो जैसा मैंने अभी अभी बताया वो कि हमें सिर्फ डिक्लेयर करना है कि हमारा ये जो पूरा कोड है वो HTML नंबर वर्जन 5 के अंदर बना हुआ है, तो वो सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम ये लाइन लिख रहे हैं, ठीक है, डॉक टाइप वाले। फिर HTML क्यों लिख रहे हैं, बॉडी क्यों लिख रहे हैं, हेड क्यों लिख रहे हैं, वो वन बाय वन आपको यहाँ पर सभी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन की गई हुई है। वो यहाँ पर आपको वन बाय वन सभी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन की गई हुई है, ठीक है, आप अपने आप से सीख सकते हो। उसके बाद HTML का एलिमेंट क्या है, टैग क्या है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर आप कोई भी चीज़ लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में लिखते हो तो उसे क्या बोला जाता है, टैग बोला जाता है, राइट। अगर आप लेस देन के अंदर कोई भी नेम लिखते हो, फिर वो H1 हो, बॉडी हो, हेड हो, व्हाटएवर, उसको बोला जाता है स्टार्टिंग टैग, ठीक है। अगर आप किसी टैग के अंदर आगे स्लैश लगाते हो इस तरह से, तो इस टैग को बोला जाता है एंड टैग, राइट। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए H1 टैग को स्टार्ट किया है इस तरह से, राइट, और एट द लास्ट यहाँ पर H1 टैग को क्या किया है, ओवर किया है स्लैश लगाकर। तो इस तरह के आप बेसिक सिंटैक्स बना सकते हो, स्टार्ट टैग और एंड टैग, इसके बीच में जो भी लिखा हुआ होगा वो अपने हिसाब से, टैग के हिसाब से आपको आउटपुट में देखने को मिलेगा, राइट। तो इस तरह के कई सारे टैग हैं हमारे पास, S1 है, P है, फिर BR है, इन सभी को हम वन बाय वन डिटेल के अंदर देखेंगे, ठीक है। फिर आपको किस तरह से वेब ब्राउजर के अंदर रन करना है वो भी हम देखेंगे। मैंने पहले बताया आप गूगल क्रोम या फिर फायरफॉक्स ओपेरा को यूज कर सकोगे, ठीक है, अपनी HTML की फाइल बनाने के लिए। लेकिन अगर एक बार आप फाइल बना लेते हो तो फिर आप रन कहाँ पर करोगे, ऑब्वियसली आप अपने वेब ब्राउजर के अंदर ही रन करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा HTML का पेज स्ट्रक्चर, जो हमने अभी अभी देखे ना, हमारे HTML हेड, बॉडी टैग, ठीक है, फिर बॉडी एंड हो रही है, HTML एंड हो रहा है, उन सबका मीनिंग क्या है और आपके पेज के अंदर क्या क्या रोल निभाते हैं, वो सब यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में से ख्याल आ जाने वाला है। फिलहाल हमें फोकस रखना है अपनी बॉडी टैग के अंदर, ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर हमने कितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए होंगे, कितने भी कोड लिखा हुआ होगा, वो सभी रिप्रेजेंट होगा हमारे आउटपुट के अंदर, राइट। ओके, फिर आपको मिलेगी हमारी HTML की हिस्ट्री, कब फाउंड किया गया था HTML को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1991 के अंदर किन्होंने फाउंड किया था HTML, तो यहाँ पर आपको फाउंडर का नेम भी मिल जाएगा, टिम बर्नर्स-ली, ठीक है, जिन्होंने WWW, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हैं, ठीक है, उसको भी टिम ली ने ही इन्वेंट किया था, राइट। तो सबसे पहले आया था 1991 के अंदर HTML, फिर थोड़ा थोड़ा करके अपडेट आता गया और अब 2014 के अंदर HTML5 आपका इंट्रोड्यूस हो गया था, ठीक है। तो तब से लेकर अब तक हम यूज़ क्या करने वाला है, HTML5, ओके। तो सिर्फ आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, HTML क्या था, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है, ठीक है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इस वेबसाइट को विजिट करना, W3 Schools, और सब रिविजन कर देना आप।